27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। मुझे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। भारत में योग का आरंभ 5000 साल से भी पहले हुआ था और आज ये आधुनिक जिम्स, स्कूलों और पार्कों में भी यानी हर कहीं नजर आने लगा है। योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक संपूर्ण माध्यम बन गया है। योग लाखों लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन, सामंजस्य और आंतरिक शांति और खुशी हासिल करने में मदद करता है। योग धार्मिक, भौगोलिक, जातीय और नस्ली सरहदों से आगे बढ़कर हम सबको ज्यादा सेहतमंद, शांत और सामंजस्यपूर्ण इंसान बनने में सहायता करता है, जिससे हमारा ये ग्रह ज्यादा टिकाऊ और शांतिमय बन सकेगा। लेकिन योग आखिर है क्या और इसे कैसे अमल में लाया जा सकता है? क्या योग वास्तव में हमें खुद से और प्रकृति से सामंजस्य बनाने में मदद कर सकता है? तो आइए चलें योग से जुड़ी इस यात्रा पर। हर साल फरवरी में पूरी दुनिया से हजारों लोग हिमालय के आंचल में बसे भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक ऋषिकेश आते हैं, ताकि योग का अनुभव कर सकें, उसे सीख सकें और उसे एक दूसरे से बांट सकें। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में 50 से भी अधिक देशों से योगी आते हैं और योग गुरुओं के सानिध्य में वर्कशॉप, मेडिटेशन और कक्षाओं में हिस्सा लेने के साथ साथ उनसे विचार विमर्श भी करते हैं। आज दुनिया में ये कहीं भी योग गुरुओं का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला सम्मेलन है। जब मैं भारत आई तो मैंने सीखा कि एक सामंजस्य के तौर पर योग का मतलब क्या होता है, और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई। भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ, यानी ईश्वर से हमारा मेल। मैं हमेशा बीमार रहती थी पर इसका कारण नहीं जानती थी। मैंने दवाइयाँ छोड़ दी और योग शुरू कर दिया। मुझे लगता है जीवन उसके बाद से ज्यादा बहुरंगी और सार्थक हो गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में 8वीं बार आ रही हूँ।
मैं योग गुरुओं और अध्यापकों के पास उनसे सीखने, अध्ययन करने, परिपक्व और विकसित होने के लिए आती हूँ। हमारे लिए योग का मतलब है एकता और प्यार, अंदरूनी प्यार और शांति। जब मैं विद्यार्थी था तो बीमार हो गया था, फिर मुझे योग के बारे में पता चला, मैंने योग शुरू किया, मेरी सेहत फिर पूरी तरह ठीक हो गई, मैं फिर पहले से काफी सेहतमंद हो गया, मुझे काफी हैरानी हुई, तो फिर योग में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इंसान हमेशा से ही प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने की मुश्किल कोशिश करता आया है। वजह ये कि हमारे ग्रह या हमारे लिए जो बात सबसे अच्छी है, हमारी जरूरतें अक्सर उसके उलट होती हैं। भारत के लंबे इतिहास में कहीं मानव और प्रकृति के बीच वाले इस सामंजस्यपूर्ण हिस्से का रुख अंतर्मुखी हो गया और अंतर की इस यात्रा को ही योग कहा गया। योग की शुरुआत के चिन्ह 5000 साल से भी पहले सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसे उकेरे गए दृश्य, मोहरे और चीजें मिली जिन पर योग जैसी मुद्राएं और अभिवादन आदि मौजूद थे, और जो बाद में मिले पशुपति रुद्र और भगवान शिव के विवरणों से मेल खाते थे। शिव को सबसे पहला और मौलिक योगी माना जाता है, जिन्होंने मानव को योग की कला और विज्ञान से परिचित कराया था। ये संबंध आज भी साधुओं, योगियों और भारत, तिब्बत और नेपाल की यात्रा करने वाले मनीषियों में नजर आता है। योग शब्द संस्कृत का है और लगभग 1000 ईसा पूर्व वाले वैदिक काल में आम चलन में आया। ये शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब है बांधना, चीजों को एक जगह लाना, संयोजित करना या थामना। योग का लक्ष्य है हमें खुद को अपने और प्रकृति के साथ दोबारा से संयोजित करना, स्रोत की ओर लौटना। योग से जुड़ी सोच का मूल सांख्य दर्शन में है, जिसके अनुसार ये ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति या चेतना और प्रकृति के बीच एक द्वैत है। योग पूरे भारत में ही काफी जाना पहचाना था और इसका जिक्र फिर वैदिक ग्रंथों में मिलने लगा, विशेषकर उपनिषद में और उस दौर की बौद्ध और जैन शिक्षाओं में भी। उपनिषदों में चार तरह की योग पद्धतियां हैं, मंत्र यानी पवित्र ध्वनियों को बार बार उच्चारण करना, परम शक्ति से संपर्क जिसे लय या भक्ति संबंध कहते हैं, हठ या आंतरिक ऊर्जा को चैनलाइज करना, और राजयोग, इसे ही ध्यान या अष्टांग योग भी कहा गया। आज दुनिया भर में मौजूद योग के सभी स्कूलों का संबंध ऐसे ही किसी ना किसी एक सिद्धांत से है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में योग के संदेशों को एक लिखित ग्रंथ का रूप दिया गया था, जिसे पतंजलि के योग सूत्र कहा जाता है। अथ योगानुशासनम्। ओम, अब योग के बारे में बताते हैं। योग का मतलब है मस्तिष्क में मौजूद सामग्री में आ रहे परिवर्तनों को स्थिर करना, ताकि व्यक्ति को अपनी सच्ची और वास्तविक स्थिति का अनुमान हो सके। पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य है भौतिक जगत से जुड़े लगाव पर विजय पाना, ताकि अपनी सच्ची चेतना को प्राप्त किया जा सके। तैतृय उपनिषद के अनुसार व्यक्ति कोशों की 5 सतहों से बनता है, जो एक साथ मिलकर काम करता है। जब ये कोश असंतुलित हो जाते हैं तो फिर इससे उत्पन्न होते हैं रोग, असामंजस्य और स्वास्थ्य में गड़बड़ी। लेकिन जब योग के जरिए इन्हें एक साथ लाया जाता है तो उससे प्राप्त होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, ध्यानस्थ मस्तिष्क और विशुद्ध आनंद। इनके केंद्र में है भौतिक शरीर या अन्मय कोश, इसके अलावा होती है जीवनी शक्ति या ऊर्जा पुंज, जिसे कहते हैं प्राणमय कोश। मानसिक चेतना या मस्तिष्क का जगत भी होता है, जिसे मनामया कोश कहा जाता है। इसके अलावा उच्च मस्तिष्क भी होता है, जिसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है, और सबसे अंत में होता है अंतिम या संपूर्ण अवस्था, जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है। प्राण हर जीव की जीवनी शक्ति की प्रमुख ऊर्जा होती है,
जो इन सभी सतहों के बीच घूमती रहती है और उन्हें आपस में जोड़े रहती है। कोशों को नियोजित करने और सामंजस्य को बहाल करने के लिए पतंजलि ने योगियों के लिए एक प्रणाली सुझाई, जिसे अष्टांग या आठ अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। पहला अंग है यम। ये योगी को निर्देशित करता है कि उसे दुनिया में क्या नहीं करना है। दूसरा अंग है नियम, या योगी को अपने जीवन में क्या करना और क्या सोचना चाहिए। तीसरा अंग है आसन, या प्राणिक ऊर्जा को संचालित करने और मस्तिष्क को शांत करने के लिए। आज अधिकतर लोग इसे ही योग समझते हैं। चौथा अंग है प्राणायाम, या पांच कोशों के माध्यम से प्राण को सांस के जरिए प्रवाहित करना। प्राण पूरे ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति है और ये पद्धति ठीक ठाक रहने और संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है प्रत्याहार, यानी आत्मनियंत्रण अथवा ज्ञानेंद्रियों को पीछे खींचना, संसार से विमुख और संतुलित रहना। अंतिम तीन अंगों को अंतरंग कहा जाता है, क्योंकि ये योग के आंतरिक अंग हैं। ये मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। धारणा मस्तिष्क को एक ही विचार या वस्तु पर केंद्रित करने की पद्धति है। ये आपकी सांस, कोई चीज, कोई शब्द या कोई छवि हो सकती है। ध्यान गहरे मेडिटेशन की वो अवस्था है जहां व्यक्ति को अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने आसपास की स्थितियों का ध्यान रहता है और वो संपूर्ण स्थिरता की ओर बढ़ता रहता है। और आखिर में योग का अंतिम अंग होता है समाधि, या पूरी तरह जज्ब और स्थिर मस्तिष्क, जहां ध्यान लगाने वाला उसके ध्यान की वस्तु और आसपास की सभी चीजें एकाकार हो जाती हैं। समाधि से आगे योगी को कैवल्यम या संपूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप पहले पांच अंगों का अभ्यास ध्यान से करें तो अंतिम तीन उसके परिणाम स्वरूप हासिल होते हैं, और इस अभ्यास के जरिए योगी अपने कोशों का प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संपूर्ण सामंजस्य बिठा सकता है। योग है ध्यान, ध्यान है असली योग की शुरुआत। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है और अपने अंदर परिवर्तन महसूस होता है। ये परिवर्तन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और एक बेहतर इंसान से एक बेहतर समाज बनता है। भारत में सरकार ने एक मंत्रालय स्थापित किया जो स्वास्थ्य की देखरेख के सिलसिले में भारत के प्राचीन ज्ञान को समर्पित है। इसका नाम है आयुष, और इसने मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना, योग को कोडिफाई करने, सुरक्षित रखने, दर्ज करने, इसका प्रचार प्रसार करने और दुनिया को क्लासिकल तथा पारंपरिक योग सिखाने के लिए की। ये इंस्टीट्यूट योग में डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करता है, और ये भारत और पूरी दुनिया में अध्यापकों, स्कूलों और पद्धतियों के एक नेटवर्क को संचालित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योग को भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर मान्यता दी, और इस संस्था को पूरी दुनिया में मौजूद सभी सदस्य देशों के बीच अपनी शोध जारी रखने और संदेशों को फैलाने के लिए धनराशि दी जाती है। भारत का मानना है कि योग हर किसी से संबंध रखता है, और पारंपरिक तथा क्लासिकल योग को दुनिया के साथ एक खुले और पारदर्शी तरीके से साझा किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने योग मुद्राओं, संदेशों, ग्रंथों और तकनीकों की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी भी कायम की है। भारत के लंबे इतिहास के दौरान योग रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और ज्यादातर धर्मों और विचारधाराओं ने अपने अनुष्ठानों और तौर तरीकों में इसकी पद्धतियों का उपयोग किया है। मध्य युग में दो महान भारतीय अध्यापकों ने योग की पद्धति को पुनर्जीवित किया। 8वीं सदी में आदि शंकरा ने उपनिषदों और योग को फिर से लोकप्रिय बनाया, और नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ ने भी लगभग इसी समय हठ योग को फिर से बहाल किया। 18वीं सदी तक योग की पद्धति काफी अलग थलग होकर कुछ ही लोगों तक सीमित रह गई थी, और अधिकतर भारतीय नागरिकों के जीवन से ये लुप्त हो चुकी थी। फिर 20वीं सदी में ही योग ने कमाल की वापसी की। योग भारत की ओर से दुनिया को एक भेंट है। 1890 के दशक से भारत के कई अध्यापक योग को दुनिया के सामने लाए,
जैसे कि 1893 में स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया का परिचय वेदांत और राजयोग से कराया, और 1920 में स्वामी योगानंद ने दुनिया को क्रिया और कुंडलिनी योग से परिचित कराया, स्वामी शिवानंद, स्वामी रमा, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी कुवाल्यानंद, श्री योगेंद्र जी और अन्य महान योगियों ने योग के गहरे पहलुओं का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। 20वीं सदी के एक बेहद प्रभावशाली योग गुरु थे श्री कृष्णमाचार्य, जो मैसूर के महाराजा के निजी अध्यापक थे, और उन्होंने भारत में पहली बार 1930 के दशक में हठ योग के सार्वजनिक प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके विद्यार्थी बीकेएस अयंगर, के पत्तिभा जोयस और उनके पुत्र देसिकाचार्य योग के तीन प्रमुख प्रचारक बने, और उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। अयंगर योग और जोयस के अष्टांग विन्यास स्कूल अमेरिका और यूरोप के प्रमुख योग स्कूल बने, और 1965 में अयंगर की पुस्तक लाइट ऑन योग योग के सिलसिले में दुनिया की पहली गाइड बनी, और 17 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। योग को कभी पूरी तरह से भुला दिया गया था, लेकिन मुझे खुशी है कि आज ये हर कहीं नजर आता है। कम से कम इस सिलसिले में शुरुआत तो की गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर शुरुआत हो जाए तो बेशक वो आरंभ में मामूली हो, लेकिन धीरे धीरे योग की जड़ें और मजबूत होती जाएंगी। आज योग इन शुरुआती अग्रणी लोगों से कहीं आगे निकल चुका है। श्री श्री रविशंकर, पूज्य स्वामी जी, बाबा रामदेव, स्वामी निरंजन और सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे योग गुरु पूरी दुनिया में क्लासिकल योग की लौ को जलाए हुए हैं।
अपनी चटाई पर बैठकर मैं आमतौर पर उन बहुत सी चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे सामने चुनौतियां पेश करती हैं। दिमाग बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता है जब आप चटाई पर होते हैं। योग सिर्फ तभी आपके साथ नहीं होता, योग आपके भीतर रहता है। मैंने ये देखा है और मैं ये समझ गया हूँ कि आप खुद को बदल सकते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज विज्ञान और इलाज की मुख्य धारा भी योग के फायदों को समझ रहे हैं। भारत में योग की स्वस्थ करने की शक्तियों के बारे में लोग हजारों साल से जानते हैं और आयुर्वेद के साथ मिलकर ये भारत में बीमारियों को रोकने, चेतनता को और बढ़ाने तथा तंदुरुस्ती को ठीक रखने के सिलसिले में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही ये योगी को स्वतंत्रता भी देता है। निमहंस भारत का एक जाना माना तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जहां योग पर हुई गहन शोध से कमाल के नतीजे सामने आए हैं। हमने MRI का इस्तेमाल करके मस्तिष्क पर होने वाले योग के प्रभावों की जांच की है। योग करने के बाद मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की हालत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ऐसी भी स्थितियां देखी गई हैं जहां ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में बदलाव आता है और उससे इंसान बेहतर बन जाता है। जब आप ओम या किसी और शब्द का उच्चार करते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब आप इसे ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो शब्द आपके कानों में गूंजने लगते हैं। कानों से विद्युतीय गतिविधि नीचे आकर फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ते वक्त ये शरीर को शांति देती है। योग की वैज्ञानिक और उपचार संबंधी शक्ति से जुड़ा एक और जाना माना भारतीय शोध संस्थान है एस व्यास विश्वविद्यालय, जिसे स्थापित किया था नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर एच नागेंद्र ने। ये योग और न्यूरोफिजियोलॉजी में गहन शोध करने वाला एक पंजीकृत केंद्र है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता मिली हुई है। ये योग सिखाता है, नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र निकालता है और आरोग्य धाम चलाता है। ये एक अनूठी योग चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य केंद्र और अंतरंग रोगी सुविधा है। ये सिद्ध हुआ है कि योग चिंता और तनाव घटाता है तथा हमारे मस्तिष्क और हमारे जीन्स की गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित करता और सुधारता है। मैं बड़ी मुश्किल से ड्रग्स के चंगुल से छूटा था और एक दिन सैन फ्रांसिस्को की एक सड़क पर जा रहा था कि मैंने वहां एक बोर्ड पर योग शब्द लिखा देखा और वहां एक महिला योग सिखा रही थी। वो महिला अपने शरीर को मोड़ने लगी। मुझे लगा कि वो अपने शरीर को इससे ज्यादा भला और क्या मोड़ पाएगी, लेकिन वो तो उसे बड़ी शालीनता और आराम से मोड़ती ही गईं। मुझे लगा ये सचमुच आजाद हैं। मैं क्योंकि ड्रग्स का शिकार हो चुका था तो मुझे भी आजादी चाहिए थी। मैं पूरी जिंदगी जो चीज ढूंढता रहा था, मुझे वो उसी चीज की जीती जागती मिसाल लग रही थी। तो ये चीज मुझे इतनी आकर्षक लगी कि मैंने फौरन विन्यास योग का अभ्यास शुरू कर दिया। योग करने से जीवन में संतुलन, खुशी और आजादी मिलती है और फिर व्यक्ति जीवन को पूर्णता के साथ जी सकता है। आज दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा लोग योग को अपनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में ही हमें लोगों की चेतना में बदलाव आता दिखाई पड़े, जिससे हमारा ग्रह कहीं ज्यादा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो जाए। योग करने वाले लोग कहीं ज्यादा चेतन उपभोक्ता, बेहतर इंसान, पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक और अच्छे नेता बन जाते हैं। यही योग की शक्ति है और ये केवल दुनिया का कल्याण ही कर सकता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये एक कीर्तिमान है।
listen.